गुजरात विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज की वोटिंग 9 दिसंबर को होगी। पहले चरण की वोटिंग से ठीक दो दिन पहले यानी 7 दिसंबर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने विवादित बयान दिया है। मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच कहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब अय्यर ने इस तरह का बयान दिया हो। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने मोदी को चाय बेचने वाला कहा था। इसके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मोदी को नीच कहा था, जिसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उठा चुकी है। बताते चले कि साल 2014 में प्रियंका गांधी ने मोदी की राजनीति को नीच बताया था, तब मामला नीच जाति तक पहुंच गया था। दरअसल अमेठी में नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय राजीव गांधी पर सीधा हमला बोला था, जिसके बाद उनकी बेटी प्रियंका गांधी ने कहा था कि मोदी की नीच राजनीति का जवाब अमेठी की जनता देगी। मोदी ने प्रियंका के इस बयान को नीच राजनीति से निचली जाति पर खींच लिया और फिर ऐसा राजनीतिक बवाल खड़ा हुआ कि कांग्रेस फिर सफाई देते देते परेशान रही और इसका खामियाजा भी कांग्रेस को 2014 के लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा था। अब देखना ये होगा कि मणिशंकर अय्यर के इस बयान का गुजरात विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ता है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।